फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह, फिर से आपके सामने लेके आ चुका हूं एक नई वीडियो। तो आज है अपना जो संडे का दिन है, 16 अप्रैल है, 2023 का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है, 10:30 हो रखा है। इससे पहले वीडियो मैंने देखी होगी, ट्रेवल करके आया था, इस वजह से थोड़ा सा आज लेट है। संडे में तो एटलीस्ट इतना ही होता है, और बाकी के मैं उठ के अपना वॉक वगैरह करके आया हूँ, और बाकी की अपना जो एसी वगैरह का मैंने बाहर का फ़ैन वगैरह में पानी मारा है, बाहर पानी मारा है, थोड़ा धूल वगैरह हो रखी थी, और अपना जो बाकी की जो नॉर्मल रूटीन के काम है वो मैंने कर लिए हैं। तो ये सारा है, और अभी अपना ब्रेकफास्ट आ गया, मैं एक बार ओवर भी दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद में जैसा भी रहेगा उसका एक्सपेंस मैं आपको पूरा मतलब एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं आपको ब्रेकफास्ट का एक और भी। फिर टीवी अपना ऑन हो चुका है, अपना यहाँ पे देख सकते हैं चैनल लगाना बाकी, जस्ट अभी ओपन मैंने किया हुआ है, और बाकी की अपना जो है ये चल रहा है, और टाइमिंग अपना जो हो रखा है वो 10:45 का हो रखा है, और अपना जो ब्रेकफास्ट अपना रेडी हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेकफास्ट अपना यहाँ पे, और अपनी चाय है, तो इसका आनंद लेते हैं। फिर आपको दिन में कुछ स्पेशल रहेगा तो उसका आपको ओवरव्यू देंगे, और बाकी की वीडियो में कैसे जाना है कैसे नहीं जाना वो भी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आगे जैसा भी रहे। वो 2 बजे का हो रखा है, और अपना जो है लंच का टाइम हो गया है। अभी थोड़ा बाहर गए थे थोड़ी देर के लिए, इधर रेलवे स्टेशन की तरफ, एक दोस्त का रेलवे का टिकट वो खिड़की से कटा के लाया था रिजर्वेशन, तो वो कट के आ चुका है, और अभी अपना यहाँ पर न्यूज़ चल रही है, अपना जो अतीक और असद वाली जो है अपनी, और बाकी की अपना जो जो स्पेशल मैं बता रहा था लंच में लेंगे, तो वो अपना बन चुका है, और मैं दिखाता हूँ क्या स्पेशल है। ये अपना जो है ये सांभर है, ये अपनी चटनी है, और ये अपने बड़े हैं, तो ये अपना प्याज के हैं, ये नॉर्मल वाले हैं, और ये अपना सांभर हो गया, ये अपना जो है चटनी हो गई। तो ये कुछ स्पेशल अपना है आज का जो है संडे स्पेशल, तो ये है दोस्तों। बाकी की अपना जो है 2 बज गए हैं, अभी लेट ही ब्रेकफास्ट किया था, इस वजह से लेट ही चल रहा है अपना जो, वैसे तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं है, तो ये अपना कुछ स्पेशल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों बाकी की चल दिखाते रहेंगे आपको इवनिंग में क्या है कुछ और स्पेशल जो भी रहेगा। यहाँ पे अभी ये न्यूज़ चल रही है अतीक और ये वाले जो है, तो अभी अपना टीवी चल रहा है देख रहे हैं, अभी से पहले मूवी चल रही थी, तो बाहर काफ़ी गर्मी है, धूप टाइट निकली हुई है, और गर्मी वगैरह काफ़ी अच्छी हो रखी है, वो तो अंदर है थोड़ा आराम है, नहीं तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। 10:15 का हो रखा है, और मैं अभी जो है अपना डिनर वगैरह हो गया है, हल्का ही डिनर लिया है, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो उससे ज़्यादा बस की भी नहीं है। और फिर उसके बाद में अपना जो है कल सुबह ही मैं अपना जो है ट्रेवल करके आया हूँ, तो उसकी वजह से ज़्यादा लेने का वो भी नहीं था। तो ये है दोस्तों सारा ओवरव्यू, बाकी की अभी इस वीडियो को मैं एंड नहीं करूँगा, कल करूँगा, क्योंकि आज ज़्यादा शूटिंग हो नहीं पाई, और दिन में सुबह में आया था, और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, उसके बाद मैं एक बार रेलवे स्टेशन गए थे हम दोबारा से, आज एक दोस्त को टिकट कटवानी थी, उसको बलिया जाना है, तो उसके लिए हमने विंडो टिकट ली थी स्लीपर की, और वो भी अपनी जो है RAC, क्योंकि वहाँ से क्या है टिकट वो कैंसिल नहीं होती है, ऑनलाइन वाली कैंसिल हो जाती है। तो मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं है ट्रेन के बारे में ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो एक्चुअली होम टाउन का रूट है वो ट्रेन का कोई रूट ही नहीं है, या तो आप जो है बस वगैरह से जाओगे, या बस से नहीं जाते हो तो आपको जो फिर अपनी, मैं तो गाड़ी से जाता हूँ, मैं गाड़ी से प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ट्रेन वगैरह का रूट मेरे को समझ नहीं आता है। या प्लानिंग करके जाओ और पहले से बुकिंग कर दो तो सबसे बढ़िया है, और जैसे मेरी वाइफ भी जाती है छत्तीसगढ़, तो वो कभी होता है तो मैं पहले से प्लान करके रखता हूँ, और टिकट वगैरह मोस्टली मतलब जो है 2-3 महीने पहले कर देता हूँ, सो दैट कि कंफर्म ही टिकट अपने को मिले, बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में फिर हम चले गए थे थोड़ा मार्केट से, तो सामान वामान लेके आए थे, फिर उसके बाद में फिर हम कहीं नहीं गए, फिर उसके बाद में अपना जो फाइनली घर आ गए, थोड़ी बहुत देर TV देखा, न्यूज़ वो अतीक और अपनी अतीक का जो भाई है उसकी जो अपनी इनकाउंटर वाली न्यूज़ थी वो देखी, उसके बाद फिर अपना यहाँ पे टहलने आ गए, तो अभी अपनी जो वॉक है वो पूरी हो गई है, और ये जो नज़ारा है कुछ इस तरीके से अपना जो है नज़ारा अभी रात का देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं जाऊँगा, गर्मी हो रखी है, AC मैंने बाहर का फैन साफ़ कर दिया है, अभी अंदर का नहीं किया है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग में टाइम मिलेगा मॉर्निंग में कर दूँगा, तो आज तो अपना नहा के ही सो जाएंगे, अभी इतनी भी गर्मी नहीं है कि आप जो है AC चला लो गाँव में। हालांकि मेरी मम्मी ने AC चला लिया है, अभी इसका सर्विस ड्यू हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इस कमिंग वीक में जाऊँगा, तो उसका मैं सर्विसेज करा लूँ, सो दैट कि
मतलब अभी उसकी साल भर भी हो जाएगी, तो दोनों की दोनों सर्विस अभी ऐसे ही है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी एक करा देता हूँ, फिर दो महीने बाद जो भी एंड ऑफ डे होगा उसका, उसके पहले करा दूँगा। चलिए दोस्तों, जैसा भी होता है दिखाता हूँ मॉर्निंग में जो एक बार आपको, और फिर इसको कल शाम को एंड करेंगे इसको मंडे को इस वीडियो को, क्योंकि ऑलरेडी अभी मेरी पेंडिंग चल रही है, अभी एडिटिंग पेंडिंग चल रही है। तीन मैंने पेंडिंग करके शेड्यूल कर दी है, एडिटिंग करके सॉरी शेड्यूल कर दी, और बाकी की जो रह गई हैं वो मैं सोच रहा हूँ कल उसको फाइनल करके, और ये वाले भी, सो दैट की फिर अपडेट कर दूँगा। और एक सेपरेट वीडियो कैसे जाना है और कहाँ कहाँ से आप जा सकते हो, किस किस तरीके से ऑप्शन से आप किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो वो आपकी मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो के बाद मेरी वो वीडियो शूट करूँगा मैं, तो आपको मिल जाएगी। उसकी जो अपलोड डेट होगी वो 25 के आसपास आएगी, 25 अप्रैल के आसपास, तो मैं सेपरेट उसकी वीडियो डाल दूँगा। एक्सपेंस कितना आया अभी हमने जोड़ा नहीं है, मैंने दोस्त को बोला है कि वो एक्सपेंसेस जोड़ कर मेरे को बता दे कितना खर्चा आया, तो वो दो में डिवाइड कर देंगे हम, कहीं पे मैंने किया कहीं पे उसने ज़्यादा किया, मैंने कहीं कम किया है। तो जैसा भी रहेगा दोस्तों, ये सारा अपना जो एक्सपेंस भी मैं बता दूँगा कितना खर्चा आया कहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे है मॉर्निंग का, और आज है अपनी 17 अप्रैल 2023, मंडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है, 7:50 हो रखे हैं, और मेरा जो वर्कआउट है, वर्कआउट आज मैंने रनिंग नहीं करी है, सिर्फ वॉक करी है 15 से 20 मिनट, और वॉक करने के बाद में मैंने एक्सरसाइज करी है, तो पसीना आ चुका है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, रात मैंने क्या किया था, नहा के मैं और पंखा चला के सो गया था, क्योंकि गर्मी हो रही थी, और आज मेरे हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा है। तो या तो ये हो सकता है कि मैं कपड़े नहीं पहने थे मैंने, या ये हो सकता है गर्मी की वजह से। तो बाकी की एसी का मैंने फ़ैन साफ़ कर दिया था बाहर वाला, अंदर वाला अब मैं जाली एक बार निकाल के उसकी साफ़ करूँगा, तो मे भी हो सकता है गर्मी की वजह से हो। तो शाम को उसको चलाएंगे एक दो घंटे, जो भी होगा कूलिंग करेगा, अदरवाइज़ फिर ओनर को बोलेंगे, वो अपना जो है उसको दिखाएगा। तो ये है दोस्तों सारा, बाकी की चलता हूँ दिखाता हूँ एक बार ओवर में, बट अभी उमस टाइप की हो रखी है, मतलब हवा बिल्कुल नहीं है, तो जैसा भी रहेगा मैं एक बार ओवर। अब ये देख सकते हैं ये पार्क का व्यू है, धूप अच्छी खासी निकल चुकी है, और कल शाम के टाइम कुछ तूफान सा आया था, तो उसने मतलब सब तहस नहस पत्ते वगैरह सब बुरी तरीके से यहाँ पे मतलब गंदा कर दिया है, और आजकल अपना ये सफाई वाले भी नहीं आ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं पूरा मतलब पत्ते पत्ते हो रखे हैं, गंदगी ज़्यादा हो रखी है, और इसको मतलब साफ़ करने वाला भी कोई भी नहीं है। और यहाँ के जो मतलब वो हैं जो विधायक या कुछ बोल सकते हैं चेयरमैन, वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं अभी इस टाइम पे जो, और देख सकते हैं कितना मतलब कहीं पे कुत्तों ने खोद रखा है कहीं पे कुछ, तो ये चल रहा है दोस्तों। बाकी की पार्क का व्यू अच्छा हो रखा है, ये देख सकते हैं हरा भरा पार्क है अपना जो, पानी वगैरह भी अब नॉर्मल लोग ही चला रहे हैं, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है तो वो कहाँ से चलाएगा। तो ये है मॉर्निंग, मंडे का दिन है दोस्तों, तो आज मे भी हो सकता है मैं गाड़ी लेके जाऊंगी, क्योंकि वाइफ को आज स्कूटी चाहिए कि वो पूजा वूजा स्टार्ट कर रही है आज से, तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। अभी तो अपना जो है गाड़ी से कवर हटाऊंगा मैं एक बार पता करके, तभी हटाऊंगा, क्योंकि नहीं तो फिर पूरे हफ्ते ऐसे ही धूप जम जाएगी। तो धूप अच्छी खासी है, अभी यहाँ पे भी मेरे को झाड़ू मारनी है, थोड़े पत्ते पत्ते दिखाई दे रहे हैं। 3:35 का हो रखा है, मैं भी जस्ट बाहर आया था एक कॉल अटेंड करने, तो मैंने सोचा कि एक आपके लिए एक छोटी सी वीडियो ही शूट कर लूँ। तो आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ख़तरनाक वाली हो रखी है, धूप भी अच्छी खासी है, और बाकी की ऑफिस में भी काम है, क्योंकि मंडे है, फ्राइडे के बाद में 2-3 दिन का बैकलॉग जो हो जाता है, तो उसकी वजह से काम भी काफ़ी ज़्यादा है। और आज ट्रैफिक वगैरह तो दोस्तों मेरे को सुबह नहीं मिला था, क्योंकि मतलब मैं अंदर से निकल के आया था, तो अंदर कोई खास था नहीं, रेड लाइट वगैरह पे थोड़ा बहुत था, तो मैं अपना ऑन टाइम आज आ गया था ऑफिस अपना जो। और बाकी की गर्मी मतलब अच्छी खासी हो रखी है, और मतलब रात में नहा के सोया था फैन में ही, तो सुबह उठा तो मेरे सर में दर्द मतलब हो रखा था गर्मी की वजह से, रात में एक दो बार नींद भी खुली थी गर्मी की वजह से अपना जो, क्योंकि गर्मी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो फिर मैंने आज क्या किया है, मॉर्निंग में मतलब अपना जो है एसी की जो वो है जालियां हैं वो साफ़ कर दी हैं, नाइट में देखूंगा अगर ज़्यादा गर्मी रही तो आज मैं एसी ऑन करूंगा। कल मैंने बाहर के फ़ैन को मतलब जो है वो कर दिया था अपना जो है साफ़ कर दिया था, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं चलाऊँगा। और मैं सोच रहा था अभी जब तक बीत रही है बीत ही जाए, बट अभी ऐसा हो रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे मतलब आप थोड़ी बहुत देर या मतलब वैसे सो सकते हो, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं इशू आता है कि गर्मी का, क्योंकि गर्मी वाइफ को भी लग रही है मेरे को भी लग रही है। तो देखेंगे अगर काम किया एसी
कहीं अगर मान लो वो नहीं हुआ उसमें, जो अपना गैस वगैरह का इश्यू नहीं हुआ, तो चलाएंगे, क्योंकि अपना डीसी इन्वर्टर एसी है, तो अभी उसका तो कोई आइडिया नहीं है कि कितना लाइट लेगा कितना नहीं लेगा। जैसा भी रहेगा वो अपडेट मैं आपको जो है नाइट में चला के एक बार देखेंगे, क्योंकि मैंने भी क्या हुआ था कि अक्टूबर में ही मैं उधर शिफ्ट हुआ था और उसके बाद में फिर मैं अपना जो है इधर आ गया था। दोस्तों अभी मैं एक कॉल लेता हूँ, फिर आपने जो इधर शिफ्ट हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था, उस टाइम एसी की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने उस टाइम चला के देखा था तो उस टाइम ऐसा कोई एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा था, और एसी की ज़रूरत थी भी नहीं तो मैंने एसी चलाया भी नहीं था। दोनों रूम में एसी है, दोनों वर्किंग है इतना श्योर है, बट मैंने कोई चलाया नहीं है। बट अंदर वाला विंडो है जनरल का है तो वो ज़्यादा लाइट खाएगा, इसलिए अंदर वाले में कोई सोता भी नहीं है तो उसे तो मैं नहीं चलाऊँगा, बट इधर वाले को अपना जो है मैं अपना जो है यूज करूँगा, और देखते हैं अगर सही है रहेगा। और बाकी की अगर गैस वगैरह निकली होगी तो मैं ओनर को बोलूँगा, अगर ओनर बोलता है ठीक है करवाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर अपना कुछ एसी वगैरह का प्लान करूँगा, अभी तो नहीं है, कूलर वगैरह लूँगा, जैसा भी रहेगा वो आ गया आपको अपडेट दूँगा। और अभी तो काफ़ी भीड़ है पार्किंग वगैरह में, देख सकते हैं आप गाड़ियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। मैं भी आज सोच रहा था गाड़ी लेके आऊँगा, बट फिर मैंने सोचा कि ट्रैफिक में फंस जाऊँगा तो गाड़ी का कोई इतना कोई वो नहीं है। तो ये है दोस्तों सारा एक्सपीरियंस, बाकी की आगे इवनिंग में इस वीडियो को एंड करेंगे और जैसा भी रहेगा गर्मी वगैरह का हाल आपको दिखाएंगे, बट अभी टेम्परेचर काफ़ी है तो देखते हैं जैसा भी रहेगा, अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर गाड़ी लेके आएंगे, अदरवाइज थोड़ा ट्रैफिक मेन ट्रैफिक ही है, ट्रैफिक कम मिलेगा तो मैं फिर गाड़ी लेके आ सकता हूँ, ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा तो फिर गाड़ी की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि गाड़ी में फिर वही है कि ट्रैफिक में खड़े रहोगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं, जैसा भी रहेगा अपडेट आपको देंगे। फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रखा है वो 9:15 का हो रखा है और मैंने जो है एसी आज अपना ऑन कर दिया है। मैंने बताया था आपको कि मैंने संडे में बाहर का फ़ैन धो दिया था और आज मॉर्निंग में अपना जो है इसके दोनों फिल्टर निकाल के मैंने साफ़ किए थे और बाकी की अभी वर्किंग किया है तो ठंडा कर रहा है। और अभी एक बार सर्विस इसकी करानी पड़ेगी क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये अंदर से पूरा क्लीन नहीं हुआ है, सिर्फ फिल्टर साफ़ हुआ है, अंदर अभी धूल है, तो अब अपने को तो पता नहीं है कैसे होगी कैसे नहीं होगी, तो एक बार सर्विस बुक करा देंगे इसकी जो अभी एक हफ्ता चला के देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, फिर उसके बाद में इसकी सर्विस बुक करा के एक बार प्रॉपरली इसकी सर्विस करवा दी जाएगी। तो मैं एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको, फिर बाहर का दिखाता हूँ कितनी आवाज़ कर रहा है कितनी नहीं कर रहा है, यहाँ तो अंदर तो नहीं पता लग रहा है। और बाकी की इसका रिमोट, फ्रेंड्स ये अपना जो है हिताची का अपना एसी है, यहाँ पे अपने सारे इसके मोड दिए गए हैं, ऑटो कूल ड्राई फैन हाई मीडियम लो, ये अपना ये इसका है फैन का है कितनी स्पीड पे आपको चलाना है, और यहाँ पे इसके कुछ वो दिए गए हैं, ऑटो पे चलाना है कूल ड्राई, और यहाँ इसका ऑन ऑफ इससे होता है, ऑटो पे कूल पे फैन स्पीड कहाँ से कम करनी है, स्विमिंग करनी है, टाइमर ऑन करना है नहीं करना, ऑफ़ करना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ये ऐसे ही रखा था और यहाँ पे आपको जो है इन्वर्टर की बैजिंग मिल जाएगी और ऊपर हिताची की बैजिंग मिल जाएगी और पीछे से कुछ इस तरीके से देखेगा, बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ है, छोटा सा ही है। और यहाँ पे अपना जो एसी है वो भी चल रहा है, कूलिंग कर रहा है अपना जो है, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपना जो यूनिट काफ़ी बड़ी है, जैसे पहले मेरी वोल्टास का था मेरे घर पे उतनी बड़ी यूनिट है, बट अभी जो नया वाला जो अपना इसका आ रहा है जो एलजी का आ रहा है वो यूनिट बहुत छोटी आ रही है। तो देखते हैं एक हफ्ते ऐसे ही चला कर देखेंगे नाइट में, फिर उसके बाद में इसकी सर्विस एक बार करा कर देख लेंगे, वर्किंग सही रहेगा तो फिर इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, फिर अपने को कूलर वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो इसका व्यू है कुछ, और बाहर से आपको दिखा देता हूँ एक बार, बाहर वाले फैन का मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बाहर वाला फ़ैन अभी चल रहा है और अभी पानी वानी तो अभी गिरने नहीं लगा है, और मतलब वॉइस मतलब जो है नहीं आ रही है इसकी जो, और अपना जो है वैसे तो हवा तो गर्म फेंक रहा है क्योंकि अंदर से मतलब ये अपना जो खींच के बाहर निकालेगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की यहाँ पे झाड़ू रखी है तो यहाँ से मैं झाड़ू को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ जिसकी, क्योंकि यहाँ पानी गिरेगा, अभी तो नहीं गिर रहा है और जब गिरेगा तो फिर अपना भी रहेगा, तो अभी तो कहाँ सामने रुका नहीं जा रहा है इस तरीके से है। ये मैंने हल्का सा धो दिया था और सोचूंगा नेक्स्ट वीक जब मैं इसकी सर्विस कराऊंगा तब अपना जो है धुल दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ पाइपिंग आ रखी है। दोस्तों आज नाइट में इसका एक्सपीरियंस लेता हूँ, फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, और अपनी एक्सपेंस की वीडियो इस वीडियो जो अभी चल रही है इसके बाद आपको एक्सपेंस की वीडियो भी मिलने वाली है, क्योंकि मेरे पास एक्सपेंस आ गया है, क्योंकि मैंने तो 2-3 जगह खर्चा किया था, दोस्त ने ज़्यादा किया था तो उसका एक्सपेंस आ गए हैं। इसकी वीडियो इसके बाद मैं शूट कर दूँगा कल, वो आपको
27 तारीख की डेट में आपको मिलने वाली है। तो अभी जो हो रखा है वो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से माहौल हो रखा है। गर्मी हो गई है, पार्क में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी मेरी ढकी हुई है क्योंकि मंडे है, आज मैं गाड़ी से नहीं गया था, ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होता है, बाकी की अपना माहौल कुछ इस तरीके का है। अभी मैं भी थोड़ा घूमने आऊँगा, पहले भी ये वीडियो एडिटिंग करके फाइनल अपलोड करके फिर उसके बाद घूमने आता हूँ। तो दोस्तों ये है सारे दिन का पूरा मतलब ओवरव्यू, बाकी की मेरा प्लान था कूलर का, बट देखते हैं अभी एक बार बिल का आइडिया मिल जाएगा तो फिर देखेंगे, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, इसी को चलाएंगे इस साल, अगले साल देखेंगे कुछ अपना, और जैसा भी अपडेट रहेगा वो आपको आगे वीडियो में मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा ओवरव्यू, बाकी की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो मेरे इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों करते हैं इसी वीडियो को यहीं पे, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।